ये समझ में नहीं आ रहा हमको क्या चल रहा है वहां पर। और तीसरा कल आए थे ना छोटा रिचार्ज मुंबई में, उनसे पूछ लेते आप क्या हो रहा है, उनकी सरकार है मेरी सरकार तो नहीं है ना, उनको भी पूछ लेते। सर उनका तो ये कहना था, भगवत मान का ये कहना था कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। बिल्कुल है। क्या आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल है, मैं भी कह रहा हूँ बिल्कुल है, दिख रहा है ना हमारे को थोड़ा बहुत, हम उतने उनसे छोटा रिचार्ज की तरह उतना हमको दिमाग नहीं है, मगर थोड़ा तो दिख रहा है हमको क्या हो रहा है। इतना तो हम देखिए MIM पार्टी तो इतना तो पॉलिटिकल सेंस है हमारे को, हम ये बोल सकते हैं कि बारिश कब होने वाली है, हम हवाओं में सूंघकर मिट्टी की खुशबू, मिट्टी आने के बाद हम नहीं बोलते कि बारिश होने वाली है, हम ये जरूर बोलेंगे बारिश होने वाली है। सर आगे क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? हाँ कंप्लीट इट इज कंप्लीट। सर एक सवाल है, वैसे दो सवाल है, पहला सवाल ये है जिस तरीके से आप लोग अपने जिक्र किया कि डेमोक्रेसी नहीं, आपको जिस तरीके से आपने बोला कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, तानाशाही नहीं है, तो उसी से जरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने देखा शिवसेना के बारे में जो हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन दिया टोल रोड पर जो भाजपा ने सरकार बनाई सिंधे के साथ में, लेकिन बाद में जो इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन दिया, बिल्कुल जो चुनाव चिन्ह था वो चला गया, क्या इलेक्शन के कमीशन के निर्णय के ऊपर आप किस तरीके से देखते हैं? ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है कि आपने देखा कि कल उद्धव ठाकरे से अरविंद केजरीवाल मिले, जैसे कि सब लोग अभी बोल रहे हैं कि छोटी छोटी रीजनल पार्टियां एक साथ आकर बीजेपी से लड़नी चाहिए, तो आपका एजेंडा क्या है? सबसे पहली बात तो ये बताइए, आपका सवाल ये भी होना चाहिए था, अगर आपका इख्तियार है कि बिहार में मैंने 4 MLA को तोड़ दिए कांग्रेस राजद, वो अच्छा काम था क्या? बोलो, आपको पूछना चाहिए था जब यहां गलत हुआ तो वहां सही हुआ क्या? क्योंकि ये सेकुलरिज्म के ठेकेदार हैं, ये चंगेज खान की तरह काम करेंगे तो नहीं नहीं वो उनको चंगेज मत बोलो, यहां पर होगा महाराष्ट्र में तो चंगेज है जो भी कर रहे हैं। अरे भाई चंगेज दोनों जगह पे होता है ना, एक जगह कहाँ होता है, दोनों जगह होता है। सर डॉक्टर उदित राज जी का कहना है कि अगर मोदी जी आपकी राजनीतिक गवर्नर खुदी तो देश की खुद जाएगी। कौन बोले हैं? डॉक्टर उदित राज है, IMC से है, कांग्रेस पार्टी। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी आपकी राजनीतिक गवर्नर खुदी तो देश की खुद जाएगी, दोनों में से कुछ एक जरूर। नहीं मैं तो इस पर नहीं बोल सकता मैडम, मैं खबर बनाने का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं जिंदा रखने वालों में का एक्सपर्ट हूं, अब जिसकी खबर बनेगी उनको फूल चढ़ाएंगे, मैं नहीं बोल सकता। बात हो रही है, नहीं नहीं दोनों दिया मैं, आप मैं दोनों दिया हूं ना, मैं दोनों दिया हूं, मैं दोनों दिया हूं, आपको पसंद नहीं आया तो कबूल कर लो आप, मैं आपकी जरूरी नहीं है कि आपको मुतमइन करके जाओ। हाँ ठीक है, जब चुनाव हम पहले ही इंट्रोडक्शन में आपने सवाल किया था उसका जवाब दिया हूं, आप अटेंशन नहीं है, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि लास्ट महीने भी और इस महीने भी वाराणसी में जहां नवीन महीने सकल हिंदू समाज की एक मोर्चा होने वाली लग याद और बॉस लॉटर करेगी, इसके बारे में आपका क्या बोलते? ये हाँ नहीं ये तो है ना, इम्तिया साहब ने बोला कि सरकारी संगठन के लोग वो जो किसान की खुशी कर रहे उस पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, नौजवानों का बेरोजगारी उनका मुखदर बन चुका उस पर कोई बात नहीं करेंगे, पर किस पे बात करेंगे? इन मुद्दों पर, ताकि पूरे माहौल को गर्मा के रखे, एक पोलराइजेशन होता रहे, गंदगी फैलती रहे, और पूरा बीजेपी और RSS यहां की सरकार उसके पीछे है, इसीलिए उसने इस तरह के स्पीचेस किए जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका नोटिस लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सो मोटो एक्शन, तो देखते हैं सो मोटो एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, ये तो बिल्कुल इनका एजेंडा है, यही तो एजेंडा है उनका। प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि मदरसों के अंदर योग होना चाहिए, जैसे किसी भी शैक्षणिक संस्था के अंदर योग होता है वैसे मदरसों के अंदर भी होना चाहिए, जो कि मध्य प्रदेश के कई मदरसों के बच्चों ने इसको अपोज किया है कि हमारे इस्लाम में योग की कोई प्रथा नहीं है और न कि ये किसी शैक्षणिक संस्था के अंदर कंपल्शन होना चाहिए। देखिए जो मदरसा खोलते हैं ना वो Article 30 के तहत फंडामेंटल राइट के तहत खोला जाता है, अब उसमें आप मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे नहीं छीन सकते, आप वो मेरा फंडामेंटल राइट है, वो सरकार को समझने की जरूरत है। जब मैं
इसको आर्टिकल 30 के तहत बोलता हो तो आप कैसा किसी को फोर्स करेंगे। सर मेरा एक सवाल है कि मुंग्राम में जो है आपने कहा कि हर जगह हम लोग ताकत से लड़ने की कोशिश करते हैं, हम लोग वहां पर दरबार में आपके दो बार एमएलए वहां पर लड़ने की कोशिश किया, एक एमएलए तो आपका जो है वो छोड़कर पार्टी चला गया, तो आगे जैसे आपने दो बार देखा कि ऐसा हुआ है तो थर्ड टाइम आप कैंडिडेट चुनेंगे तो आपने क्या उसके लिए एजेंडा तैयार किया गया है। तो वो जो कहावत है ना, दूध के जले छाछ को भी फूंक फूंक कर पीते हैं, तो हम दूध के जले हुए हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जमीर फरोश कफन चोर बेईमानों को टिकट नहीं देंगे। सर एक सवाल और है कि 2014 में जो है पुलिस कभी भी आपको कहीं भी परमिशन देना नहीं चाहती, हमेशा रोका जाता है, पर 2014 में आपको जिस तरह आप हैदराबाद में घर घर जाकर जैसे आप ट्रेन चलते हैं उसी तरह आपने मुमरा में भी कोशिश की थी। मुमरा में नहीं हुआ, आपको परमिशन भी मिली थी 2014 में, मगर आप होटल में रुके रहे। नहीं, गलत बात है, नहीं गलत बात है। 2014 मुमरा में मेरे को परमिशन नहीं मिली।